आवाज होगा हमारे इस टूर्नामेंट के एक आम स्पॉन्सर नकाश खालिद और एहसान हक, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया और हमारे साथ भरपूर तावन किया। दोनों टीमों का मेहमानों ने खुशी से तारीफ करवाया जा रहा है। हमारे आज के पहले सेमीफाइनल के मेहमानों ने खुशी से सरदार अदनान साहब और उनके साथी जो कि खसूस तौर पर प्लेनरी से तशरीफ लाए हैं, हम उनको यहाँ आमन पर खुश आमदीद भी कहते हैं इंतजामिया की तरफ से, अवाम अलाका नरवे की तरफ से, और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि यहाँ इस इवेंट में तशरीफ लाए। दोनों टीमों के साथ ग्रुप फोटो सेशन जारी है, इसके बाद पहला सेमीफाइनल बकायदा से इसका आगाज होगा। मेरे साथी के मेडिटर नवीद अख्तर साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी उनकी मायरा लाइव लेते रहूँगा। मैं रावण तबसरे के लिए माइक उनके हवाले करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया कदीर साहब, वेलकम बैक टू ग्राउंड। अभी दोनों टीमें मेहमान खुसूसी से मुसाफा कर रही थी, फोटो सेशन हो रहा था, तो अब से कुछ ही देर बाद पहला सेमीफाइनल सगीर शहीद वर्सेस फ्रेंच क्लब तरनोटी के दरमियान शुरू हो जाएगा। तो मैं एक और अपने साथी कमेंटेटर नजीबुल्ला साहब को मिस कर रहा हूं, उनसे गुजारिश है कि वो जहां भी हैं कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाएं। तो मैच आ गया है जनाब सगीर शहीद नम प्लंदरी वर्सेस फ्रेंच क्लब तरनोटी। तो शायकीन से गुजारिश है कि ये एक बड़ा इवेंट है, तो बड़े इवेंट में आपका रोल बड़ा होगा, आपकी तालियां, आपकी हौसला अफजाई बड़ी जरूरी है। तो एक दफा तमाम शायकीन से गुजारिश है कि दोनों जो के मेहमान टीम है, एक टीम का ताल्लुक तरनोटी रावलाकोट से है और दूसरी टीम का ताल्लुक नम प्लंदरी से है, एक टीम यानी एक डिस्ट्रिक्ट पूंछ की है, दूसरी टीम डिस्ट्रिक्ट सुदनोटी की है। तो आप नारोड़ी के शायकीन या मंग से आपका ताल्लुक है, तो आप इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए काइंडली भरपूर तालियां बजाएं एक दफा। कुछ कंजूसी की गई है मेरे ख्याल में, एक दफा और से सारे लोग तालियां बजाकर इन शायकीन की हौसला अफजाई करें। अब ताली बजी है, तो अब कदीर साहब हम थोड़ी सी वोटिंग भी करवा लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये सेमीफाइनल सगीर शहीद स्पोर्ट्स नम जीतेगी, तो वो काइंडली तालियां बजाएं। अब वो लोग तालियां बजाएं जो कहते हैं कि फ्रेंड्स क्लब तरनोटी ये मैच जीतेगी, तो पहली सिचुएशन में तालियों की आवाज ज्यादा थी। चले देखते हैं कि आया लोग मोहसिन को ज्यादा लाइक करते हैं या जाफर को लाइक करते हैं या उमर को लाइक करते हैं या अदनान को लाइक करते हैं। बहरहाल वक्त आने पे फैसला हो ही जाएगा। तो अलग अलग कुएं का स्वाद अलग है मेरे दोस्त, जो धुन सोने के बर्तन से आती है कांसी के बर्तन से कभी नहीं आ सकती। तो वही कहते हैं जो प्रेशर को हैंडल करते हैं, एनी पर्सन दैट वोकल डाउन द प्रेशर मे गॉट सक्सेस। तो जो प्रेशर में बेचारा बन जाते हैं वो कभी भी दुनिया उनको सुनहरी हरूफ से नहीं लिखती। तो देखते हैं शायकीन ने आज कुछ तालियां बजाकर अपने यहां पर मेंटली और फिजिकली होने का सबूत दिया है। तो हम शायकीन से तवक्कात ये भी करते हैं कि चूंकि आपने हमारे स्कूल की इस डब पे इतना ज्यादा वजन डाला हुआ है, तो तालियां बजाकर हौसला अफजाई जरूर करेंगे हमारे मेहमान खिलाड़ियों की। तो ये जो सामने डब है ये जनाब बहुत ही कमजोर है, तो एक तो नुकसान स्कूल का होगा, दूसरा आप भी मेहमान हैं, दूर दराज से आए हैं, तो
आपके लिए भी खतरात ज्यादा हैं, तो इसकी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा, थोड़ा जगह चेंज करके बैठ जाइए प्लीज। ये इंतजामिया की तरफ से स्पेशल ऐलान भी है, मजाक नहीं है कि वहां पे थोड़े खतरात हैं, काइंडली वहां से आप किसी और पोजीशन पर चले जाएं। तो कदीर साहब क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूं कि जाफर का हाथ आग उगलेगा, तो दूसरी तरफ मोहसिन फॉर्म में दिखाई दिए हैं कल भी, तो क्या आपके तहयलात हैं, क्या आपकी आपको सिचुएशन नजर आ रही है? आई थिंक कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास बहुत ही अच्छे कमेंटेटर मौजूद हैं, दो कमेंट्री करते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे, और ये सेमीफाइनल है तो काइंडली तमाम दोस्त बार बार शेयर करेंगे ताकि हम हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बंदे देख सकें, और अगर कम ही बंदों को दिखाना होता तो मैं यूट्यूब पे होता, तो काइंडली आप लोग किस तरह का खेल पेश करती हैं, ये बड़ी आसान शक्ल मुकाबला होता है, तो जो टीम में समझता हूँ अपने आसान पर काबू रखेगी और गलतियाँ कम करेगी वो टीम में समझता हूँ कि फाते बनकर उभरेगी। बहरहाल अभी कुछ कहना काबिल वक्त होगा, दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस टीमें हैं और शायकी ने वॉलीबॉल को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जी जी मेरे तमाम दोस्तों, अच्छी बात है कि मैं आपको बताया करता हूं, तो आज आप मुझे बता रहे हैं कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, और रियली नेटवर्क काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, और थोड़ा बर्दाश्त करें, मैं मुझे यही लोकेशन अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि आज जो है ना आगे से बंदों को कंट्रोल करना, आगे से हटाना, ये वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, तो इसलिए यहाँ से मैं बैठ गया, ये थोड़ी हाइट पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथी कमेंटेटर नबीद साहब। तो मैं सबसे पहले दूर दराज से तकरीबन चार अजला से सर यकीन करें, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के देखें तो सही, आप यकीन महसूस होंगे सरदार सईद साहब। नेशनल वॉलीबॉल चैनल जो टेलीकास्ट कर रहा है इस वॉलीबॉल, तो मैच स्टार्ट हुआ, पहले सेमीफाइनल स्टार्ट हुआ है, क्या नजर नहीं आ रहा सर, ग्राउंड पूरा पूरा नजर आ रहा है सही अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असान हक अपनी तरफ से तमाम शायकीन को जो दूर दराज से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं उनको खुशामदीद कहता है, और उनको शुहदाए नारोड़ी वॉलीबॉल ग्राउंड पर खुशामदीद कहता है, और दीगर टीमें जो दूर दराज से वॉलीबॉल के बड़े बड़े स्टार प्लेयर जो सागरी से बन्नों से जी फरकान मुश्ताक साहब क्या कह रहे हैं, नब जगह अच्छी है, बाकी आपके बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास इस वक्त जी जी नेट इंशाल्लाह सही हो जाएगा, फेस्टिवल के भी कुछ मेहमान तशरीफ लाए हैं जो इस मैच को लाइव कवरेज कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। उसके साथ गलत दिया है अमर भाई सर, इस दिन से हमारे साथ इस मैच को इन मैच को लाइव कवरेज दे रहे हैं, इंशाल्लाह जी बेहतर हो जाएगा, मैं टाइटल बाद में चेंज कर लूंगा जी, कोई मसला नहीं है। हमारे पास ही क्या बिजी होकर लगातार लाइव मैचेस दिखा रहे हैं, उनका सर्विस के सर्विस हुई है, नारुडी की बॉल डिफेंस हुआ और इंतजाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मोहसिन के पास बॉल, मोहसिन की बहुत ही अच्छी स्मैश डिफेंस कर ले गया बॉल, तो जैद के कोर्स स्मैश डिफेंस हुआ बॉल, मोहसिन की स्मैश ब्लॉक हुए मोहसिन, आइडियल गया गया डिफेंस हो चुका है बाल, तो सैदी के पास है बाल, सैदी की बहुत ही अच्छी स्मैच अपनी टीम के लिए, इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन मैं कहूंगा नवीद साहब इतना आसान नहीं होगा। सिद्धार्थ सईद साहब यकीन जाने की ये नेटवर्क का मसला है, बाकी ठीक हो जाएगा जी। क्लब तरनोटी में भी मौसो उमर जुल्फकार एहसान जफर जैसे प्लेयर मौजूद हैं,
तो इतना आसानी से तो वो मैच लेने नहीं देंगे फ्रेंड्स के तरनोटी को सगीर शहीद क्लब नाम को। अब मैं पूछना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर नजीबुल्लाह भाई से कि आप तीन दिन से लगातार यहां से हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं और लाइव मैच देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह का इवेंट आपको देखने का मौका मिला है, क्या ये जो तमाशाई हजरात यहाँ पर इतना बड़ा क्राउड मौजूद है वो इस इवेंट से कुछ मुस्तफीद होगा या नहीं होगा? सर आपको मेरे हिसाब से तमाम प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पूरा नजर आ रहा है, बहरहाल मुझे वहां से लोकेशन इतनी सेट नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहां पे आया हुआ हूं। कल भी हमसे पूछा गया था कि इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम कौन सी टीम को करार दिया जाए, तो उस वक्त मौके की मुनासिबत से मैंने ये कहा था कि एहसान गोरा की जो टीम है वो इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है। सर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, रिजल्ट बेहतर होने दें तो आपका शिकवा दूर हो जाएगा। जाफर की बात स्मैश से ऊपर उनके हक में वोट जाएंगे, लेकिन मेरे साथ ये बात भी आपसे कही थी चांस है जैद के पास, जैद का अच्छा आइडिया अपनी टीम के लिए सर उसे सिर्फ की उसके बाद ये फैसला करना मैच है नाम आजाद कश्मीर में टूर्नामेंट हो रहा है कर मत बैठेगा, क्योंकि दो स्टार जब आपस में टकराते हैं तो इस मैं समझता हूं कि ये कहना सर इस वक्त अभी जो मैच शुरू है इसके बारे में भी मैं आपको सर प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम अब मैं अगर यहाँ से उठ के जाता हूँ तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए सेटअप बनाना पड़ता है, तो वो अभी एकदम तो मैं सेटअप वहाँ पे बना नहीं सकता, तो इसलिए कुछ इश्यू है ठीक है, तो वक्त ही यहाँ से मैं दिखा पाऊंगा। आप अगर क्राउड देखें तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी आप जगह का, आप कहेंगे कि बस दिखाओ, क्योंकि मुश्किल है कि जी मैं वहाँ से इस तरह दिखा पाता आपको। शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे ही जो है हमारे पास मौजूद है आमिर शापाल साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास मोशन सर्विस के निशान पर सर्विस हुई है बाल सब्सक्रिप्शन की तरफ वीडियो जरूर शेयर करें। सेमीफाइनल है, बहुत तगड़ा बयान है, मोशन का जोरदार स्मैश, जी हां मोशन का बड़ा कमेंट्री सुने प्लीज। मोशन जब अपनी महारत दिखाते हैं तो बड़े बड़े प्लेयर उनके सामने बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं। 6-1 के पॉइंट पे सर्विस मोशन की, अच्छा डिफेंस था, सिक्स वन पॉइंट है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान सर, इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा जी। जी कमेंट्री बहुत अच्छी है जी, कोई शक नहीं, इंशाल्लाह जी रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 1-6 पॉइंट है, 6 सगीर शहीद क्लब नंबर 1 अच्छा स्मैश लगाया था मोशन ने, फ्रेंच क्लब टर्नर की तरफ से मोशन की सर्विस दोस्तों ने बेस्ट किया, जादी का अच्छा स्मैश, लेकिन उनके सामने बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की माने एहसान मौजूद थे जिन्होंने जी जी बांग्लादेश से हमारे दोस्त देख रहे हैं तो हम उन्हें वेलकम करते हैं जी, बाकी तमाम दोस्तों को भी वेलकम करते हैं और वीडियो जरूर शेयर करें। अच्छा स्मैश, बहुत अच्छी स्मैश अद्दी की जानिब से, स्कोर से गुजारिश है कि काइंडली आप कमेंट्री बोर्ड के सामने तशरीफ ले जाएं, स्कोर देखने में डिस्टॉर्शन होती है, हमारे साथी कमेंटेटर कदीर साहब उनके सामने स्कोर बोर्ड मौजूद है तो वो बॉल टू बॉल कमेंट्री जारी रखें। हाँ
शुक्रिया नवीद भाई। 7-1, 7-2 के स्कोर के साथ अनोटी की तरफ से सर्विस सेप्शन, बॉल को पोस्ट किया गया, जोरदार स्मैश लेकिन बॉल को डिफेंड ना कर सके। बॉल सरदार सईद साहब आज तो संगी अमन्नी बेसी है गल के इतो में मैच से दसा कोई और सिस्टम नहीं बन रहा सर। स्कोर पर सर्विस 6 नंबर की शॉट पेने में खिलाड़ी की तरफ से सर्विस रिसेप्शन हुआ, बॉल पोस्ट हुआ, जोरदार स्मैश, अच्छी स्मैश, रेफरी विसल के फॉल, फॉल हुआ है जैद की जानिब से। मोहसिन सर्विस के निशान पर 7-2 पॉइंट। रिसेप्शन बॉल को पोस्ट किया गया, जोरदार स्मैश आने की कोशिश लेकिन इस मत हुआ, बॉल को नेट में खेल गए। 8-2 पॉइंट का इजाफा हुआ, 8-2 सर्विस रिसेप्शन हुआ, बॉल पोस्ट हुआ, बॉल अच्छी स्मैश, कोई ब्लॉकर उनको ब्लॉक ना कर सका और अपनी टीम के लिए सर्विस हासिल की। 8 के स्कोर पर नाम की तरफ से सर्विस, 6 नंबर की शर्ट पहने हुए, ओपन है जनाब, पोस्ट हुआ बॉल एहसान के पास, बॉल एहसान की स्मैश, डिफेंस हुआ बॉल, पोस्ट हुआ जैद के पास, बॉल जैद की बहुत ही अच्छी स्मैश। अदनान जीर सरदार अहमद में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें लाइव मैच दिखा रहे जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, कमेंट्री वाला आपके पास है जी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, सर्विस हुआ बॉल सर्विस चेंज, मोशन सर्विस के निशान पर 83 पॉइंट सर्विस रिसेप्शन हुआ बॉल, अच्छा दिखा लेकिन तरनोट की तरफ से 9-3 के स्कोर पर सर्विस पहले सेट में बहुत मजा आशना दी, 6 पॉइंट अच्छा डिफेंस, नेट पर ब्लॉकर बिल्कुल मुस्तैद और पहला स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। थैंक्स सरदार जी 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 जैद साहब क्या बोला है आपने, वीडियो जरूर शेयर करें जी, मेरे तमाम दोस्त 730 बंदे हैं तो ये 1730 भी हो सकते हैं, सिर्फ आपकी हिम्मत चाहिए, आपका हौसला चाहिए, आपका साथ चाहिए और हमारी तो तैयारी जारी है, हम कोशिश जारी है हमारी कि जी आपको मैच दिखाते रहें। तो मोहसिन सर्विस के निशान पर सर्विस रिसेप्शन हुआ बॉल, पोस्ट हुआ बॉल जैदी के पास, बॉल जैदी का बहुत ही अच्छा आइडिया आइडिया उठा लिया गया है, एक बार फिर से आइडिया मिला है, चांस मिला, जाफर के पास बॉल, जाफर की स्मैश, जाफर की बहुत ही अच्छी स्मैश, अपनी टीम के लिए सर्विस हासिल की जाफर ने, हाथ को छूने के बाद बॉल कोर्ट से बाहर, कहां हिटे टैलेंट की कोई कमी नहीं कश्मीर के प्लेयर में लेकिन पाकिस्तान ब्लॉक हुए, उमर जी बहुत मेहरबानी असद खान साहब, सर्विस 410 पॉइंट है, उमर की स्मैश, तो यू चांस है जैदी ने इजी बॉल फेंका है, चांस है मोहसिन के पास, एहसान ने इजी बॉल फेंका है तो बॉल पोस्ट हुआ है जैदी के पास, बॉल जैदी की बहुत ही अच्छी स्मैश, अपनी टीम के लिए पॉइंट हासिल किया, बहुत अच्छा प्रिंट है सर, बहुत मेहरबानी आपकी जो लाइव दिखा रहे हैं सरदार फैजान खलील, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। तो इरफान अब्दुल कितने गेम, 5 गेम है सर, जहर है पहला सेमीफाइनल है ये, तो मैं फोकस करता हूँ ग्राउंड की जानिब, ठीक है जी जी फैसल जुल्फकार साहब बहुत मेहरबानी ब्रदर, अच्छी स्मैश, एहसान ने बॉल पोस्ट किया है, मोसो के पास है बॉल, मोसो की स्मैश लेकिन नेट में गलती कर गए और बॉल को नेट में खेल गए। एक और सर्विस चेंज, 10-5 के स्कोर पर सर्विस
मोहसिन के पास है बॉल, मोहसिन ये क्या स्मैश, बहुत ही अच्छी स्मैश मोहसिन की जानिब से। सरदार तौकीर एजे के साहब जी क्या है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सरदार तौकीर एजे के साहब, और अपना हरियत है 10-5 पॉइंट है सर्विस, रिसेप्शन हुआ बॉल, पोस्ट हुआ बॉल, अच्छी स्मैश, उतना अच्छा डिफेंस, लेकिन उस तरह से डिफेंस ना कर सके। और आप किसको कर रहे हो जवाब जरूर देना, नदीम अंजम साहब मैं जवाब नहीं देना। राजा सिकंदर साहब वेलकम करते हैं सर आपको, और वीडियो जरूर शेयर करें मेरे तमाम दोस्त जी, अच्छा मैच है, सेमीफाइनल है तो जरूर शेयर करें जी। मोसो बबर शेयर है जी, अमर भाई चुप प्लीज, ओके जी सरदार शाहानी साहब मैं बिल्कुल चुप देस। रिसेप्शन, बॉल को पोस्ट किया गया और इसमें तो बड़ी जोरदार स्मैश, बॉल डिफेंडर के जिस्म से टकराई और सर्विस चेंज 10-6। वीडियो शेयर करें जी तमाम दोस्त, वीडियो शेयर करें। बताते हैं सर्विस चेंज 6 की बढ़त हासिल है पहले सेट में, पहले सेमीफाइनल में तरनोटी की टीम को। रिसेप्शन, बॉल को बूस्ट किया गया और उस मरतबा खाली जगह में बॉल को हल्का सा प्लेस किया और अपनी टीम के लिए वापस सर्विस हासिल की। 16 के स्कोर के साथ सगीर शाह क्लब नाम गोरा की तरफ से सर्विस, सेक्शन अच्छी सर्विस थी और इस मरतबा गलती कर गए यार बॉल कोर्ट से बाहर। तमाम दोस्त वीडियो जरूर शेयर करें प्लीज। आहिस्ता आहिस्ता लीड को कम करते हुए सगीर शाह क्लब नाम की टीम और इस मरतबा भी मोहम्मद शहजाद साहब बिल्कुल कैमरा मैन है, ग्राउंड में लगाया मेरे भाई। इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकता मोहम्मद शहजाद साहब, बिल्कुल ज्यादा है ना सर, ज्यादा की जोरदार स्मैश, उतना अच्छा डिफेंस मोहसिन का। एक बार फिर से पोस्ट हुआ जाफर के पास बॉल, जाफर की जोरदार स्मैश, बहुत ही अच्छा डिफेंस हो रहा है, क्या स्मैश की है ज़ैदी ने, बहुत ही अच्छी स्मैश अपनी कोशिश में कामयाब हुए। बड़ी जोरदार है ठंड और अपनी टीम के लिए उतनी नहीं है सर्विस हासिल। जी हाँ, जैदी का हाथ बड़ी मजबूती से बॉल पे लगा और जबरदस्त पॉइंट हासिल किया। पॉइंट तो अब पॉइंट टेबल की सिचुएशन ये है कि 10-7 शुरू में 10-7 पॉइंट है जी, चार हुई थी सगीर शहीद ने, अब कमेंट्री सुने जी 8 था मगर बड़ा अच्छा कमबैक किया। तो यही खेल का हिस्सा है, यही खेल की रौनक है कि जो टीम थोड़ा सा बैकफुट पे जाती है उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो दोबारा कमबैक कर सके। इसी बीच जैदी जबरदस्त शॉट, तालियों की गूंज में जैदी ने हौसला अफजाई ली शायकीन से। तो जाफर और जैदी जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, एहसान भी अच्छे प्लेयर हैं मगर जबरदस्त अभी तक परफॉर्म दिखाई दे रही है जैदी की तरफ से। सरदार फहीम बहुत शुक्रिया ब्रदर, वीडियो जरूर शेयर करें जी प्लीज। फ्रेंड्स क्लब तरनोटी के मायना स्टार मोहसिन मोसो अभी तक अपनी टीम के लिए बड़ा अच्छा किया, हाथरहा बड़ा आगे ले गए टीम को। इसी बीच जाफर का जबरदस्त वार और गालिबन फॉल कर गए, पुखा में रखा होते समझ आई ना। फिर से सर्विस तरनोटी की तरफ, इसी बीच जैदी जबरदस्त ब्लॉक, तो खास पैकेज ने लौड़ लौड़ जी ना इस दी फोरम में खोनो खोना इस मैच में ठीक है। उधर ना जाता सिखाया इथे उथे रह दुनिया एक उथे कोई माइनर्स होते हैं नहीं यार। सर्विस सगीर शेर की तरफ से मोसो का जबरदस्त कमरे दिखाई और एक और कामयाब सर्विस अपने नाम की।
वीडियो शेयर करें जी प्लीज। 11-7 पॉइंट है, पहला सेट जारी है पहले सेमीफाइनल का। बहुत ही बेहतरीन बार मौसम का एक बार फिर से कामयाब हुए। 12-7 पॉइंट हैं और वीडियो जरूर शेयर करें। 1K से ऊपर जाना है, 2K के करीब जाना है, और बल्कि 2K के ऊपर भी चले जाएं तो कोई मसला तो नहीं है। ज़रा 17,000 बताए हमारे चैनल पर तो फिर ऐसा तो होना ही चाहिए जी। जब तक टाइम आउट है हम ये डिस्कशन कर लेते हैं। मेरी तरफ से वेरी गुड जी, जी जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। और वीडियो जरूर शेयर करें जी मेरे तमाम दोस्त। जो है उसका पलड़ा बहुत भारी होगा मगर ग्राउंड में मोहसिन सर्विस के निशान पर नजर आ रही है। पहले सेट में अभी तक तरनोटी का पलड़ा भारी है, 12-7 का पॉइंट टेबल चल रहा है। तो क्या कहते हैं आगे किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? जाहिद भाई जजाक अल्लाह सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। और 1K आपने आखिर पूरा करवा लिया है तो वीडियो जरूर शेयर करें। कमेंट्री बहुत ही अच्छी हो रही है, मुझे दिल करता है कि मैं आपको कमेंट्री सुनाता रहूं, तो प्लीज वीडियो जरूर शेयर करें जी। टीम साहब मैं इनबॉक्स कर दूंगा। जी जी सरदार जहीर साहब, हमने 2K पे बात जाना है। 17,000 बंदे हैं, उसमें से 2,000 का तो देखना बनता है। वीडियो शेयर करें मेरे तमाम दोस्त, जरूर वीडियो शेयर करें प्लीज। जारी है तो आपको शायकी ने पहले बॉल को बताता चलो कि इसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा उसमें खुस्सा एसद बामुकाबला एहसान गोरा। ये बहुत बड़ा मैच होगा, यकीनन शायकीन इस मैच से लुत्फंदोज होंगे। इस टूर्नामेंट का मैं समझता हूँ कि सबसे कांटेदार मुकाबला होगा। लास्ट बॉल 7 सर्विस करेंगे, पहले सेट में लास्ट बॉल पे पहुंच चुकी है फ्रेंड्स क्लब तरनोटी। सर्विस बस्टर ने बूस्ट किया, फैजान का अच्छा स्मैश, डिफेंस करने में नाकाम रही अरसलान। तो फैजान जब एक बार जी जफर आया बिल्कुल जी, क्रिकेट की दुनिया के भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं तो वॉलीबॉल में भी इनका बड़ा नाम है। इस बीच सर्विस लेकिन कोर्ट से बाहर। तो मैं बात कर रहा था दूसरे सेमीफाइनल की जिसमें एहसान गोरा। सर जी सब बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। मेरे नए आने वाले दोस्त वीडियो जरूर शेयर करें। नासिर भाई वालेकुम सलाम सर, कैसे खैरियत है? वो भी डिफेंसर असद, दूसरी तरफ एहसान गोरा, उनके साथ जकी। क्या स्मैश युगली है, क्या स्मैश जाफर की जानिब से, बहुत ही अच्छी स्मैश। जोरदार स्मैश लगाया सहीर शहीद के स्मैशर ने। तो मैं बता रहा था कि शहादा नागुरी के पास एहसान गोरा जक्की, इनके अलावा बन्नू से तल्लक रखने वाले रिफत पठान जो वॉलीबॉल को बहुत घुमाते हैं। जोरदार स्मैश तालियर का, अच्छा ब्लॉक जाफर का। तो जाफर को मुसलसल बिजी देखा गया नेट पे। सर्विस जारी रखेंगे, बड़ा काटे का मुकाबला। शायकी ने आप वीडियो शेयर करते जाएं, मैं नहीं करता, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें नए आने वाले दोस्त। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो इसी नाम से है। तो पहला सेट जीत लिया है फ्रेंड्स क्लब तरनोटी ने। फ्रेंड्स क्लब तरनोटी ने तो बहुत ही संभल के खेलना होगा। अगर सहीर शहीद नंद दूसरा सेट भी हार जाती है तो इसका टूर्नामेंट का सफर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लेकिन मुझे माजरत, 5 सेट पर मुश्तमिल ये सेमीफाइनल खेला जा रहा है। मेरे ख्याल में 3 सेट थे लेकिन ये अभी मुझे इतला मिली है कि ये 5 सेट पे मुश्तमिल है। जी जी बिल्कुल सही है। तो मेरे तमाम दोस्त वीडियो ज़रूर शेयर करते जाएंगे, उम्मीद है आपने बहुत इंजॉय किया होगा ये मैच। और कमेंट्री भी हमारे पास बिल्कुल वैरायटी की कमेंट्री मौजूद है, 3 कमेंटेटर हमारे पास एकदम मौजूद हैं और मैं चौथा माड़ा सा कमेंटेटर हूँ यहाँ पे, जो आपके चलो थोड़ा बहुत स्कोरिंग करता रहता होता हूँ। तो यूँ मैच स्टार्ट होने जा रहा है। 1 बजे के बाद जाफर तशरीफ लाए थे तो यकीनन उनके दिल में भी बड़े अरमान होंगे।
आज खुशी की बात यह है राशिद नाजना साहब, वेलकम सर। मेरे तमाम दोस्त एक एक बार जरूर शेयर करें, नए आने वाले दोस्त बहुत अच्छा रिजल्ट है। मामू थैंक यू सरदार उसामा, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप तक अच्छे से अच्छा रिजल्ट पहुंचाऊं। बहरहाल वीडियो जरूर शेयर करते जाएं मेरे तमाम दोस्त। पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, उसके बाद जब दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा तो उसके लिए जे एंड के वॉलीबॉल चैनल बिल्कुल सेम नेम है सर, सेम नेम। देखा भी से दूसरे सेमीफाइनल का भी इंतजार कर रहे हैं। तो जाफर ने हमारे इस टूर्नामेंट को बहुत लेट ज्वाइन किया, मगर इस वक्त सेमीफाइनल में इन एक्शन है। इस बीच मोसो की सर्विस, दूसरे सेट का खेल का आगाज, जाफर का जोरदार स्मैश, अरसलान की हथेलियां खुल गई। ये है जाफर की महारत, ये है जाफर का जोर। मैं अपने साथी कमेंटेटर एहसान साहब से भी पूछूंगा कि वो इस मैच के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास चार कमेंटेटर मौजूद हैं, तो हमने एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। तो उनसे भी पूछूंगा उनकी माहिराना राय क्या है इस मैच के बारे में। शुक्रिया नजीब भाई। पहला सेट जो कि तरनोटी ने अपने नाम किया, बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है इस वक्त। पहले सेट में मोसो ने और अपनी टीम को पहले सेट की फतह से हमगनार किया, लेकिन मैं आपको नजीब भाई बताता चलूं कि मैंने जाफर को बहुत देखा है, बहुत दूर जाकर इनके मैचेस देखे हैं। जाफर बड़े मैच के प्लेयर हैं और इतनी जल्दी जाफर हार मानने वाले नहीं है, कम बैक जरूर करेंगे। बाज दफा तो ऐसा भी हुआ है कि दो सेट हारने के बाद भी जाफर ने अगले तीन सेट लिए हैं। तो देखते हैं कि किस तरह के दोनों टीमों में चूंकि बड़े प्लेयर मौजूद हैं, तो इसलिए कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि कौन सी टीम का पल्ला भारी होगा। फजान जावेद की सूरत में आज एक जोशो को हासिल है, जो कल तक टीम में तो नहीं शामिल थे, लेकिन आज वो तशरीफ लाए हैं अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए। लेकिन जिस तरह मोसो और उमर जुल्फकार ने स्मैश लगा के पहले सेट में कामयाबी दिलवाई है, हम अभी मैच के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते कि कौन सी टीम ये मैच जीतने में या फतह से हमकनार होने में कामयाब रहेगी। इसी बीच ये जाफर का आइडिया और मोसो इस वक्त बाल को दूसरे कोर्ट में फेंका, बोस्ट किया है बोस्टर जाफर ने और जैदी का आइडिया जिसे चेक किया है फ्रंट गद, और इस वक्त खूबसूरत स्मैश टच आउट खेलकर मोसो ने अपनी टीम के लिए सर्विस हासिल की। दोनों टीमों के खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से अपने शायकीन को अपने खेल से महसूस करते हुए, और जी हाँ नजीबुल्ला भाई जिस तरह आपने कहा कि इसके बाद जो सेमीफाइनल होने जा रहा है वो इससे भी ज्यादा काबले दीद होगा। दोनों बड़े स्टार बन्नू सागरी से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी की टक्कर आज होगी हमारे आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खोसा, जो कि बड़े मशहूर ब्लॉकर और खूबसूरत स्मैशर, लेफ्ट हैंड से वो स्मैश करते हैं और राउंड से स्मैश करते हैं, उनसे होगा और एक बड़ा टाकरा हमारे शायकीन को देखने का मौका मिलेगा। पॉइंट के 2-1 पॉइंट है जी। इस सेट में भी आगे जाते हुए 2-1 का मुकाबला जारी है। खूबसूरत स्मैश इसी बीच जैदी की जिसे डिफेंड करने में नाकाम रहे मोसन और मौसू और सर्विस मिली सगीर शहीद क्लब नाम मुंशी है सर्विस पे, ये मुंशी सर्विस में मशहूर है, जंप सर्विस कराते हैं और खूबसूरत सर्विस कराते हैं, और इस बार भी जंप सर्विस जिसे डिफेंड करने में नाकाम रहे हैं फ्रेंड्स क्लब तनोटी की खिलाड़ी, और इस तरह पॉइंट हासिल किया है सईद शहीद नाम के खिलाड़ी मुंशी ने। मुंशी की एक और जाम सर्विस और इस बार भी वो पॉइंट लाने में कामयाब हुए, नेट में लगने के बाद
सर्वस फ्रेंड्स क्लब तरनोटी के कोर्ट में जा गिरी और एक और पॉइंट इस तरह पॉइंट 3-2 और खूबसूरत सर्वस एक और ज्यादा की स्मैश लेकिन इस बार कोर्ट से आउट जा गिरी और सर्वस फ्रेंड्स क्लब तरनोटी के पास। दोनों टीमें बहुत ही खूबसूरत खेल से तमाशाइयों को महसूस करते हुए मोसो की सर्विस रिसेप्शन और रॉन्ग साइड पर जा और जाफर की खूबसूरत स्मैश ब्लैकर के साथ टच होने के बाद कोर्ट से इन गिरी और सर्विस मिली सगीर शहीद क्लब नाम को। इसी बीच एक और सर्विस जंपर और खूबसूरत सर्विस और एक और पॉइंट लगातार 3 पॉइंट तकरीबन मुंशी सर्विस पर ले चुके हैं और मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं फ्रेंड्स लैब तरनोटी के खिलाड़ी और एक और तरीके से प्रेस करके जाफर ने पॉइंट हासिल किया अपनी टीम के लिए। क्या कहेंगे मेरे भाई नजीबुल्ला जाफर कम बैक कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? 5-2 पॉइंट में सर्विस मुंशी की 6-2 सर्विस। जी हाँ मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे तो यूं लगा कि जो बल्लेबाज आसमान से गिरा था। यह है महारत जाफर की, बर वक्त उन्होंने अटैक किया तो टाइम आउट लिया। जी हाँ मैं आपको बताता चलूं कि बहुत बड़ी टक्कर है जी, बहुत बड़ा मैच है ये। वीडियो जरूर शेयर करें मेरे तमाम दोस्त, यकीन जाने के बहुत एंजॉय करेंगे और मेरे इतना शौक था कि मैं ये ऐसे देखूं और ऐसे ही है। मैं देख रहा हूं कि दोनों तगड़ी टीमें आपस में आमने सामने हैं, इसके बाद भी बहुत तगड़ी टीमें हैं जो आमने सामने होंगी, उससे आगे फाइनल होगा। बहरहाल दो सेमीफाइनल ही बहुत बड़े सेमीफाइनल है। जो जाफर ने अपने नाम किया था सेमीफाइनल, उसमें उमर कमर से इनका मुकाबला था। उसके बाद में आज देख रहा हूं नाडुरु की सरजमीन पे जाफर को। इस बीच सर्विस मोसो का अच्छा आइडिया, जाफर को रेफरी की तरफ इशारा कर रहे थे। मुंशी है सर्विस पे तैयार, मुंशी की सर्विस दोस्तों ने दोस्त दिया, मोसो का अच्छा आइडिया। ये इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला गालिबन जुमे के रोज ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो आज इस टूर्नामेंट का इंशाल्लाह आखिरी दिन होगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है, दोनों टीमों के स्टार आपस में पंजा आजमाई कर रहे हैं। जाफर ने दोस्त दिया, जैदी का अच्छा आइडिया था, मोसो का जोरदार स्मैश, टच आउट के मास्टर माने जाते हैं मोसो। सर्विस जारी रखेंगे मोसो, मोसो की सर्विस इस बार जेडी को अटैक किया था मोसो ने, डायरेक्ट नंबर हासिल किया अपनी टीम के लिए। मेरे नए आने वाले दोस्त वीडियो जरूर शेयर करें और 4-6 पे सर्विस फैजान जवेद का बाएं हाथ के साथ, बहुत ही अच्छा आइडिया। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जाफर हमारे पास तशरीफ फरमा है। 7-4 पे सर्विस, मोसो का जोरदार स्मैश लेकिन कोर्ट से बाहर। मुंशी सर्विस स्पेशलिस्ट मुंशी, मुंशी की जंप सर्विस, मोसो का अच्छा स्मैश, इस बार भी मोसो का टच आउट। मैंने पहले भी कहा था कि मोसो टच आउट के स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, तो बड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है नाउडी की सरजमीन पर। मोसो सर्विस जारी रखेंगे, मोसो की सर्विस, जैदी का डिफेंस, मुंशी का दोस्त, जाफर का अच्छा आइडिया, मोसो का जोरदार स्मैश लेकिन कोर्ट से बाहर। दूसरे समय पहले सेमीफाइनल का दूसरा सेट इस वक्त जारी है। फ्रेंड्स क्लब तरनोटी का मुकाबला सगीर शहीद नंबर, मुंशी की सर्विस, शिजे ने पोस्ट किया अच्छा स्मैश, क्या कटिंग है मोसो के हाथों में। उनके सामने शोरा याफाक ब्लॉक कर जाफर मौजूद थे लेकिन जाफर से कटिंग करके उन्होंने हाफ में स्मैश किया। यह महारत
नो सोटी सर्वस जैदी का डिफेंस मुंशी का दोस्त जाफर का जोरदार स्मैश लेकिन उमर जुल्फकार की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। सीसा फिराई हुई दीवार की माने बैक साइड पे कर दिया जाफर को उमर जुल्फकार ने। बहुत ही जालिमाना तरीके के साथ अटैक करते हैं, बहुत ही अच्छा स्मैश था, नोसे का अच्छा आइडिया, नोसे की मिसाल ऐसे है हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। नोसे की सर्विस और फजान जावेद का अच्छा स्मैश, बहुत ही अच्छा टच आउट। मैं देख रहा हूं कि मौसम सलसल आइडिया गिरा के पॉइंट हासिल कर रहे हैं। 6-8 पे मौसम की सर्विस, मुंशी मुंशी की सर्विस, उमर जुल्फकार का जोरदार स्मैश। मैं इस वक्त देख रहा हूं कुछ देर से जाफर बामकाबला उमर, मुंशी की जंप सर्विस, शीजो ने बूस्ट किया, अच्छा स्मैश था, अच्छा डिफेंस किया मुंशी ने, जैदी का जोरदार स्मैश, अच्छे तरीके से डिफेंस न कर सके। अरसलान 6 नंबर के शर्ट पहने हुए 9-7।